कभी तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए एक जवाब लिखा था कि यमुना का कमल हूं मैं, यमुना का कमल हूं मैं, तुम मुरलीधर की बांसुरी, धूप का जो कण हूं मैं, तुम पीतांबर की पंखुड़ी। यमुना का कमल हूं मैं, तुम मुरलीधर की बांसुरी, धूप का जो कण हूं मैं, तुम पीतांबर की पंखुड़ी। तुम देखो जो प्रेम से तो मुरझाया भी खिल उठूं, ख्वाहिश बस इतनी है तुम निहारो जब भी दर्पण को, तुम्हारे अक्ष में तुम्हें सिर्फ मैं ही मैं देखूं। शुक्रिया सभी का। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें उनमें सबसे प्यारा क्या लगेगा? उनकी आंखें, तो आंखों के लिए कुछ लिखा था कि मर मिटे हैं आंखों में जिसकी, वो जरा पूछे तो एक बार दिले हाल हमारा, आंखों ही आंखों में कह जाती हो कैसा है ऐसा एक किस्सा तुम्हारा, ये पलकें ये जुल्फें एक तरफ, आंखों का काजल एक तरफ, ये पलकें ये जुल्फें एक तरफ, आंखों का काजल एक तरफ, एक तरफ इन होठों से हंसना, आंखों से हंसना एक तरफ। और उम्र का तकाजा है मुझ पर जो आधी गुजरी अशकों में, जो आधी इन आंखों में गुजारी, कि उम्र का तकाजा है मुझ पर जो आधी गुजरी अशकों में, जो आधी इन आंखों में गुजारी, सच सच बताना इन आंखों से हंसना तुम्हारी अदाएं हैं या मेरी जान लेने की कोई साजिश है तुम्हारी। तो आगे इसके बाद उन्होंने ज्यादा पूछा नहीं कुछ, वो सीधे बोला अगर कभी बिछड़ गए तो क्या कहोगे? तो वहां कुछ लिखा था कि तुम्हारा साथ ना होना भी तुम्हारे साथ जैसा है, तुम्हारा पास ना होना भी तुम्हारे पास जैसा है, अब ये दिल मुझसे सिफारिशें करने लगा है तुमसे रोज मिलने की, किसी पहर किसी डगर पर तुम्हारे साथ चलने की, तुमसे बस एक गुजारिश है कि तुमसे बस एक गुजारिश है, जो कभी देर हो जाए मुझे तो मेरी राह तकते रहना, मर अगर गया कहीं तो मेरी जान बन के रहना, आया करना मिलने कभी किसी शमशान में, लाना वो किस्से किस्से जो रखे यादों की दुकान में, और देखा था एक सपना कभी हुआ ना जो अपना कभी, देखा था एक सपना कभी हुआ ना जो अपना कभी, तुम बैठी हो मेरे बगल में और मैं उम्र भर के लिए सो जाऊंगा, और जरा सुनो मेरी लाश को न छूना तुम, तुमने जो छू लिया तो शायद मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। शुक्रिया सभी। तो इसके बाद ज्यादा बात नहीं हुई, कहानी खत्म। तो नज्म का नाम है आखिरी खत, एक नीरज साहब ने लिखा था, एक मैंने लिखा है, कि जो आज ये मेरा इंतकाल मुझे मेरे करीब दिखाई दे रहा है, तो ये आखिरी खत लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे नाम, पता नहीं जब तक तुम्हारे पास पहुँचेगा मेरे सीने में सांसें होंगे भी या नहीं, पर तुम्हें ना कई बातें बतानी थी जिन्हें बाद में बताने के लिए शायद अब मेरे पास उतना वक्त नहीं, जैसे मुझे तुम्हें बताना कि तुम्हारे माथे वो छोटी सी बिंदी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी तुम जब मैं तुम्हारे बालों में वो फूल लगाता था और तुम शर्मा कर हंसती थी, कैसे तुम्हारे आंसुओं को मैंने बरसात लिखा था, कैसे तुम्हारी झटकती जुल्फों के पानी को मैंने ओस कहा था, खैर अफसोस सिर्फ इतना है मैं सब तुम्हें बता ना सका, जब मेरे सीने से सांसें खत्म होने लगे, चार लोगों के बीच हो रही मेरी बातें दफन होने लगे, जब होने लगे बरसात इस गुजरते सावन में, इकट्ठा होने लगे भीड़ जब मेरे घर के आंगन में, समझना मैं सबसे किए सारे वादे तोड़ चुका हूं, मैं मेरे सीने में धड़क रही बाकी सांसें भी छोड़ चुका हूं। शुक्रिया। जैसे जैसे सब आएंगे मेरे पास, मेरी विनती है तुमसे तुम भी आना, कि जैसे जैसे सब आएंगे मेरे पास, मेरी विनती है तुमसे तुम भी आना, मेरे पास आकर छूना मुझे और रोना मत, मुझे हंसते हुए बुलाना, आसपास बैठे लोग तुम्हें मेरी अच्छाइयाँ गिनाएंगे, गिनाते गिनाते वो सब फूलों से मेरी अर्थी सजाएंगे, मैं सब खड़ा होकर देखूंगा पर किसी को नजर ना आऊंगा, जाते जाते मेरे प्यार का सबूत देते हुए मैं मेरी अर्थी से तुम्हारे लिए एक फूल गिराऊंगा, और मेरी अर्थी से गिरे फूल को उठाना तुम और रखना उसे उस किताब में जिसे तुम रोज पढ़ती हो, या तो लगाना उसे अपने बालों में या फिर उस आईने के सामने जिसे तुम रोज तकती हो, वो फूल हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, पर क्या भुला दोगी तुम मुझे जब वो मुरझा जाएगा? और वैसे तो लड़कियां नहीं जाती किसी जनाजे में, पर तुम जरूर जाना, वैसे तो लड़कियां नहीं जाती किसी जनाजे में, पर तुम जरूर जाना, गुजरे जब सब तुम्हारे घर के सामने से तो तुम बस वहीं रुक जाना, क्योंकि अगर इससे सामने इसके आगे
तुम अपनी सीमाएं लांघकर मेरे साथ आओगे तो समाज की कुछ बातें मेरी चिता के साथ साथ तुम्हारा सम्मान भी जला कर राख कर देंगे। और मेरा कल बीत गया, आने वाला खत्म है, मेरा कल बीत गया, आने वाला खत्म है, पर तुम्हारा तो कल अभी आना है। बाकी सबका क्या है, वो तो मेरी चिता के साथ जल ही जाना है। शुक्रिया सभी का।